चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉलेस्ट सच दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल आर। अच्छा ठीक है, एज रो आर इज इक्वल टू सी आर, आर इज लेस देन और इक्वल टू ए एंड सी इज कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर विल बी आउटसाइड, यानी स्फीयर के आउटसाइड बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इंसुलेटिंग सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर, क्योंकि इसमें जहां चार्ज रखा जाएगा वहीं चार्ज रहेगा, कंडक्टर होता तो क्या होता, कहीं भी रखा जाता वो तुरंत चला जाता सरफेस पे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलो इसको जरा बनाते हैं फिगर। सबसे पहले एक छोटा सा हम स्फीयर बनाते हैं, छोटा सा स्फीयर बनाते हैं, करेक्ट, छोटा सा स्फीयर हमने बना लिया। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये उसका सेंटर है, करेक्ट है। अब ध्यान रखो, यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, तो आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। वो भी कैसा होगा, एक स्फीयर होगा, गॉसियन सरफेस कैसा होगा, एक स्फीयर होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको चार्ज डेंसिटी, इसके अंदर चार्ज कितना है, इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज, जो चार्ज भरा हुआ है उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, ये फाइंड आउट आपको करना है। मान लो पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, एज्यूम करो, और नॉन यूनिफॉर्मली भरा हुआ है। क्यों नॉन यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है उसमें देखो क्या कह रहा है, रेडियस ए है इसका, स्फीयर का रेडियस क्या है, स्मॉल ए है, रो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी इंटू आर, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी जनरली क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए टोटल चार्ज अगर आपको इस बॉडी के अंदर निकालना है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी बताओ, क्यू की वैल्यू होगी कितनी होगी, डी क्यू, छोटा सा हमको एक वो लेना पड़ेगा, टोटल चार्ज के लिए आपको एक छोटा सा एक सेगमेंट लेना पड़ेगा, चलो सेगमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं सेंटर से ही। ठीक है, सेंटर से ड्रॉ करते हैं, छोटा सा सेगमेंट हम लेते हैं, मान लो छोटा सा सेगमेंट हमने ले लिया और ये ड्रॉ करते हैं, ये अभी सेगमेंट अभी पूरा नहीं हुआ, एक और थोड़ा सा इसमें, ठीक है, अब ये सेगमेंट हमने ले लिया, इसके अंदर चार्ज कितना होगा, इसके अंदर चार्ज कितना होगा, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसकी जो सेगमेंट की मोटाई है चौड़ाई को वो डी आर है और डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं डी वी, अच्छा इसका वॉल्यूम पूरे का वॉल्यूम वी मान लेते हैं और इस सेगमेंट का वॉल्यूम वी डी वी मान लेते हैं, तो डी वी की वैल्यू कितनी होगी, डी वी इज इक्वल टू होगा कितना होना चाहिए, डी वी एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू विथ, एरिया इंटू विथ, एरिया इंटू विथ, एरिया इंटू विथ, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, डी वी की वैल्यू हो गई। ठीक है, डी वी की वैल्यू ये आ गई, तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू इज इक्वल टू होगा
रो इनटू डीवी, यानी इस सेगमेंट में टोटल चार्ज हम डीक्यू कंसिडर कर रहे हैं, डीक्यू कंसिडर कर रहे हैं सेगमेंट में, तो रो की वैल्यू कितनी है सी इंटू आर, और डीवी की वैल्यू कितनी है यहां से रख दो, डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट है डीक्यू। अब डीक्यू की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई सी आर स्क्वायर डी आर, नहीं आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब हो जाएगा, ये आर क्यूब, इसको आर स्क्वायर को हटा दे, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। सो डी क्यूब की वैल्यू पता चल गई, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, जीरो टू क्यू कर देते हैं, ठीक है जीरो टू इसको कैपिटल क्यू कर देते हैं, बिल्कुल क्यू कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा फोर पाई सी बार कर दिया, कांस्टेंट है डी आर, आर क्यूब डी आर, जीरो टू कैपिटल आर इंटीग्रेट करते हैं जीरो, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल ए है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्मॉल ए है रेडियस, वो यहाँ मैंने लिखा भी था, चलो तो स्मॉल ए करते हैं जीरो टू स्मॉल ए के बीच में, तो ये आ जाएगा क्यू लिमिट जीरो टू क्यू इज इक्वल टू फोर पाई सी, ये कितना होगा आर पे पावर फोर अपॉन फोर लिमिट जीरो टू ए, तो क्यू माइनस जीरो इक्वल टू कितना होगा ये फोर पाई सी ए पे पावर फोर अपॉन फोर माइनस जीरो पे पावर फोर अपॉन फोर, ये हो जाएगा कॉमन, फोर कट जाएगा पाई सी ए पे पावर फोर, टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज की वैल्यू यही आ गई, टोटल चार्ज जो इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर होगा। अब यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है स्मॉल आर, तो गॉस लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ का इक्वेशन क्या होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, यहाँ पर एक छोटा सा डी एस अगर ले लो कहीं पे भी डी एस छोटा सा, उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, थीटा जीरो हो गया, तो ई डी एस कॉस जीरो क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू नेट की वैल्यू कितनी है, क्यू नेट की वैल्यू कितनी है पाई सी ए पे पावर फोर, ये कितना होगा ई को बाहर कर दो, क्लोज इंटीग्रल डी एस इक्वल टू पाई सी ए पे पावर फोर, डी एस की वैल्यू कितनी होगी इंटीग्रेशन यहां लिख देते हैं, क्लोज इंटीग्रल डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई, डी एस क्योंकि छोटा छोटा डी एस है, ये गॉसियन सरफेस ये हमने ड्रॉ किया, ध्यान देना गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पी पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बाहर है, एक बार मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, गॉसियन सरफेस मैंने प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया है, मैं एक बार यहाँ ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ कि इसको गॉसियन सरफेस थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है गॉसियन सरफेस ये रहा। अब इसमें वैल्यू क्या होगी क्लोज इंटीग्रल डीएस की वैल्यू बताओ भाई, क्लोज इंटीग्रल डीएस की वैल्यू होगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये वैल्यू यहां रखी जाएगी, ये वैल्यू उठा के रख दो यहां पर, तो क्या होगा मैं यहां लिख दे रहा हूं स्पेस नहीं है इसलिए, तो क्या हो जाएगा ई इंटू डीएस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई सी ए पे पावर फोर, फोर नीचे आएगा पाई से पाई कट जाएगा, ई इज इक्वल टू ये ई जो है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सी ए पे पावर फोर अपॉन फोर आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट मिस कर गए हम आई थिंक, यहाँ एप्सिलॉन नॉट यहाँ तक लिखें, यहाँ भूल गए, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखना है, ठीक है नीचे एप्सिलॉन नॉट भी होगा, ये मिस कर गए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फोर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो सी ए पे पावर फोर अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सी ए पे पावर फोर फोर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, देखो करेक्ट ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।